क्लास 5। हाउ आर यू ऑल? आई एम योर टीचर कश्यप हैदर एंड आई विल टीच यू साइंस। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू मस्ट बी एंजॉइंग योर वेकेशंस। माय डियर रॉकियंस, एज यू ऑल नो, ड्यू टू पैंडेमिक इमरजेंसी वी कैन नॉट गो टू स्कूल, सो वी आर गोइंग टू हैव आवर ऑनलाइन क्लासेस एट आवर यूट्यूब चैनल। We are very thankful to our sir and ma'am who provided us with this platform. So without wasting much time, let's start our lesson. Here you are seeing that I'm having your book, that is New Oxford Primary Science for Class 5. It's third edition by Nicholas Horsburgh. Are you ready, my students? So first of all, open your book, page number 2. Here on our page number 2, part 1, ourselves, हमारे बारे में, unit 1, that is the brain and nerves, the brain and nerves, दिमाग और रगे. First of all, mention day and date according to our format on your book. Before starting our reading, first of all, I will give you the basic concept of our chapter. Class 5, here on your screens you can see that there is a diagram of brain. Different parts of it are labeled and colored differently. Students, you know that brain is the most important part of our body. It controls all the actions that take place in our body. ये हमारे जिस्म का हर काम, हर फंक्शन कंट्रोल करता है. आइदर वो हमारे कंट्रोल, अपने कंट्रोल में है या नहीं, लेकिन ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट हमारे बॉडी के हर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एक्चुअली जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है वो पिंकिश ग्रे कलर में होता है. पिंक और ग्रे कलर का जो ब्लेंड होता है उस तरह का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर से इसलिए शो किया गया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से हर पोर्शन को, हर पार्ट को अलग अलग से देख सकें और पहचान सकें. अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं. वो 5 सेंसेस इन कोऑर्डिनेशन विद नर्व्स एंड ब्रेन हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि हम किसी भी चीज़ को जज कर सकते हैं, रिकग्नाइज कर सकते हैं और उसको हमेशा के लिए अपने मेमोरी में प्रिजर्व कर सकते हैं. ये सारी एबिलिटी किसकी वजह से होती है? ब्रेन की वजह से. अगर हमारी सराउंडिंग्स में कोई भी चेंज होता है, कोई भी चेंज अगर होता है, कोई भी तब्दीली आती है, उसको भी हमारा ब्रेन पहले उसको जज करता है और फिर बताता है हमारी बॉडी के रिस्पेक्टिव पार्ट को कि अब आपने इस चेंज को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास 5? लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन. आपके पास एक कैंडल पड़ी है और इस एक कैंडल पड़ी है टेबल पे. मैं उसकी फ्लेम को अगर टच करूंगी तो मुझे जलन फील होगी. इट फील्स लाइक बर्निंग. तो मैं फौरन से अपना हाथ पीछे हटा लूंगी. मुझे गर्म लगता जाएगा, मैं अपना हाथ पीछे की तरफ हटा लूंगी, पीछे धकेलूंगी अपने हाथ को. तो मेरे हाथ को ये कमांड किसने दी कि अपना फौरन से पीछे खींचो अपने आप को? बाजू को किसने कहा कि हाथ पीछे कर लो? ये सारा मैसेज ब्रेन की तरफ से आया. जैसे ही हमारी स्किन ने टच किया हॉट फ्लेम को तो ब्रेन की तरफ फौरन से मैसेज गया कि इट इज समथिंग हॉट. ब्रेन ने फौरन से आपको कमांड दी कि पुश योर हैंड बैकवर्ड्स, अपना हाथ पीछे खींच लो, पीछे हटा लो. आपने अपना हाथ पीछे हटा लिया. ये सब क्या था? ये ब्रेन की कोऑर्डिनेशन की एक एग्जांपल थी. ब्रेन लग, ये तो हो गया ब्रेन की जरूरत या ब्रेन काम किस तरह से करता है. अब ब्रेन हमारी बॉडी का हर काम कंट्रोल कर रहा है तो ये हमें बताता है कि चीज़ जो आपने देखी है ये एक्चुअली चीज़ थी क्या. लाइक अगर मैं अपनी बुक को देख रही हूँ तो मुझे ये पहचान कौन दे रहा है कि ये एक बुक है? और अगर दूसरी साइड पे मैं मोबाइल को देखूंगी तो मुझे कौन बताएगा कि ये मोबाइल है, बुक नहीं है? ये चीज़ें कौन बता रहा है? ये चीज़, ये पहचान मुझे मेरे ब्रेन ने बताई. सिमिलरली अगर आप टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट का जो डिफरेंस है, लाइक समथिंग इज स्वीट, समथिंग इज सॉर, समथिंग इज साल्टी, अदर इज बिटर, ये सब जो फ्लेवर्स का डिफरेंस है ये भी आपको आपके ब्रेन ने बताया. ये चीज़ किस तरह की है और ये दूसरी चीज़ से डिफरेंस किस तरह से रखती है. तो
तो आपको ये सारी पहचान, ये जितनी भी चीज़ों को याद रखना, पहचानना, किसी चीज़ को समझना, किसी एक्शन को परफॉर्म करना, ये सब काम कौन कर रहा है? हमारा ब्रेन पहले ऑर्डर देता है और फिर हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है। ये सब तो थे हमारे ब्रेन के काम, लेकिन ये ब्रेन लगता कैसे है? अब आपको पता चल गया ये इतना इम्पॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये लगता कैसे है? इसकी डायग्राम हमने सबसे पहले देखी थी, हम दोबारा उसकी तरफ स्विच बैक करते हैं। तो ये डायग्राम आपको बता रही है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कलर से शो किए जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली पूरा ब्रेन एक ही कलर का होता है, और वो कलर कौन सा है? पिंकिश ग्रे। आप सबने वॉलनट देखा होगा, अखरोट। हमारा ब्रेन भी बिल्कुल एक वॉलनट की शेप का है, लेकिन वॉलनट के साइज से काफ़ी बड़ा होता है। ब्रेन का टेक्सचर बिल्कुल स्किशी होता है, लाइक अगर आप जेली को किसी प्लास्टिक कवर के अंदर रैप करके दोबारा से उसको दबाएंगे, तो जो आपको फीलिंग आएगी, जो उसका टेक्सचर फील होगा, सेम इज़ लाइक ऑफ आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन भी स्किशी जेली लाइक टेक्सचर में है। अब ये इतना सॉफ्ट ऑर्गन है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है, तो उसको किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी किस्म के शॉक या धचके से प्रोटेक्ट करने के लिए, अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को एक केज के अंदर बंद किया है, और वो केज हड्डियों का केज है, बोन्स का केज है, और उस केज को हम कहते हैं, आउटर प्रोटेक्टिंग को कहते हैं स्कल। स्कल हमारी बोन्स का वो कलेक्शन, वो केज है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है आउटर एक्सटर्नल डैमेज से। स्कल को उर्दू में हम खोपड़ी भी कहते हैं। ओके क्लास फाइव। और ब्रेन जिन स्मॉल मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल्स से मिल के बना होता है, उन्हें नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। ब्रेन को बॉडी के सारे पार्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए यही न्यूरॉन्स यूज होते हैं, और इन्हें नर्व सेल्स कहते हैं। ये नर्व्स जो होती हैं, बॉडी के सारे पार्ट से ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाती हैं, और इन टर्न ब्रेन से दोबारा बॉडी के उस पार्ट की तरफ मैसेज लेके जाती हैं, कमांड लेके जाती हैं कि अब आपने क्या करना है इस चेंज के अकॉर्डिंगली। ये सारा काम नर्व्स करती हैं, और ब्रेन और नर्व्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं कि दे मेक आवर नर्वस सिस्टम। दे मेक आवर नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड नर्व्स कलेक्टिवली मेक आवर नर्वस सिस्टम। ओके क्लास फाइव। Now we will come to know about some new terminologies. These new terminologies will help you to understand your lesson. So, our new terminologies are discover means daryaft karna, koi bhi cheez chupi hui ho, hidden cheez ko samne lana, discover karna kehlata hai. Recognize means पहचानना, किसी भी चीज़ को पहचानना, recognize करना कहलाता है। Recognize means पहचानना, किसी चीज़ की शनाख्त करना। Cerebrum is a part of brain, ये हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है। ब्रेन के एक स्पेसिफिक पोर्शन को सेरिब्रम कहते हैं। Skull means खोपड़ी, वो हड्डियाँ जो हमारे ब्रेन को और हमारे फेस के जो पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, उन्हें कहते हैं skull। मेनली वो हड्डियाँ जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं बाहर से एक पिंजरे की तरह, उसे skull कहते हैं, खोपड़ी। Medulla is also the part of our brain and it is the lowest part of brain। हमारी नेक की बैक साइड पे, जहाँ पे गर्दन स्टार्ट हो रही है, नेक स्टार्ट हो रही है, इससे थोड़ा ऊपर मेडुला लोकेटेड होता है, और ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक वो एक्शंस जो जिन पे हमारा अपना कंट्रोल नहीं होता, खाने को हजम करना, डाइजेस्ट करना, ब्रीथिंग, सांस लेना, और हमारे दिल की धड़कन, हमारे दिल हार्ट मसल्स को कंट्रोल करना, ये सब किसके अंडर आता है? मेडुला की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है। टेक्सचर मीन्स हाउ इट फील्स व्हेन वी टच समथिंग, किसी भी चीज़ को टच करने से उसकी ऊपर वाली अपीरेंस, फिजिकल अपीरेंस किस तरह की है, आपकी टिप्स को किस तरह का
फील होता है, किसी चीज़ की आउटर फीलिंग, आउटर अपीरेंस जो होती है उसे क्या कहते हैं, टेक्सचर, बैरूनी सतह। बैरूनी सतह जिस तरह की होती है उसे किसी चीज़ का टेक्सचर कहते हैं, बनावट किसी चीज़ की, टेक्सचर किसी चीज़ की बनावट। वॉलेंट्री इज अ वर्ड यूज एज वॉलेंट्री एक्शन एंड इट मीन्स अंडर आवर ओन कंट्रोल। वॉलेंट्री एक्शंस बॉडी के वो एक्शंस होते हैं जिन पे हमारा अपना कंट्रोल होता है। अगर हम चाहें तो हम उन्हें रोक सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम उन्हें कर सकते हैं। जैसे किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को पढ़ना, कुछ सुनना, कोई भी फैसला करना, किसी भी चीज़ के अंदर फ़र्क करना, ये सब चीज़ें किस पे आती हैं, वॉलेंट्री एक्शंस के अंदर। ये सब काम हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं। अब बैठना, उठना, ये भी वॉलेंट्री एक्शंस है। अगर हमारी मर्ज़ी है तो हम बैठेंगे, मर्ज़ी होगी तो हम उठ के खड़े हो सकते हैं। तो उठ के खड़े हो जाना ये वॉलेंट्री एक्शन की एक एग्जांपल। कम्युनिकेशन मीन्स राबता रखना, किसी भी चीज़ के साथ राबते में रहना, इन कॉन्टेक्ट रहना, इस चीज़ को कहते हैं कम्युनिकेशन। लाइक किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पे अपना पैगाम पहुंचाना, पैगाम रसानी, राबते में रहने को कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी का वो एक्ट होता है, वो फंक्शन होता है जो हम विदाउट वन सेकंड थिंकिंग जल्दी से परफॉर्म कर देते हैं। जैसा कि आप अपना हाथ आगे करेंगे किसी भी कैंडल फ्लेम के ऊपर, आपको गर्म लगता है, आप फौरन से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। ये एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन की। एमरजेंसी रिस्पांस जिस तरह का होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब है फौरी तौर पे जो भी एक्शन लिया जाता है आपकी बॉडी की तरफ से किसी भी एमरजेंसी या सडन चेंज के अगेंस्ट। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन समझ आ गया आपको। और लास्ट वर्ड इज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो ब्रेन से लोअर साइड पे लोकेटेड होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी के ज़्यादातर क्लास 5, ये थे हमारी न्यू टर्मिनोलॉजीज। अब हम अपनी न्यू टर्मिनोलॉजीज को अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन योर नीट कॉपीज एंड ड्रॉ मार्जिन लाइन्स। For our written work, we will use only blue pen and black pointer or pen. Okay? First of all, mention day and date. Today is Friday, 10th July, 2020. It is our classwork. We are going to start our unit number 1 on pages, book ke pages mention karte hain hum 227, and our unit name is the brain and nerves. Okay, aapko screen nazar aa rahi hai? यहाँ हम हेडिंग देते हैं न्यू टर्मिनोलॉजीज। हमारे 10 न्यू टर्मिनोलॉजीज थी, तो हम नंबरिंग पहले कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 and 10th will be here. Okay, now close your black pen and open your blue pen for other work. Hamari first new terminology thi recognize. Recognize ka matlab hota hai pehchanna, shinakht karna. अब हमारा सेकंड वर्ड है डिस्कवर, discover, डिस्कवर, दरियाफ्त करना, जो चीज़ पहले से प्रेजेंट होती है उसको दोबारा से
ढूंढ निकालना दरियाफ्त करना कहलाता है, डिस्कवर. एंड द थर्ड वर्ड इज स्कल, SKULL, स्कल, द केज ऑफ बोन्स दैट इज प्रोटेक्टिंग आवर ब्रेन, खोपड़ी. ओके, हमारा फोर्थ वर्ड है सेरिब्रम, CERIBRUM, सेरिब्रम. सेरिब्रम क्या था? पार्ट ऑफ द ब्रेन. ओके, हमारा फिफ्थ वर्ड है मेडुला, MEDULLA, मेडुला. मेडुला भी ब्रेन का लोएस्ट पार्ट है, दैट इज लोकेटेड अवर नियर और नेक. ओके, मेडुला के बाद हमारा सिक्स वर्ड है टेक्सचर. टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है टच करने से किसी भी चीज़ की आउटर सरफेस किस तरह की फील होती है, उसकी बैरूनी साख्त किस तरह की है. आइदर समथिंग इज सॉफ्ट और हार्ड. ओके, हमारा सेवंथ वर्ड है वॉलेंट्री, VOLUNTARY, वॉलेंट्री. वॉलेंट्री का मतलब होता है अंडर द कंट्रोल, जो काम हम अपनी मर्जी से रोक सकते हैं या शुरू कर सकते हैं. ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, Communication, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है पैगाम रसाने, आपस में रابطہ कायम करना. हमारे चैप्टर के प्रीव्यू में हमने देखा कि नर्व्स बॉडी के पार्ट में कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं. बॉडी पार्ट से मैसेज ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं और ब्रेन से नेक्स्ट कमांड बॉडी पार्ट्स की तरफ लेकर आती हैं. कम्युनिकेशन, रابطہ करना, पैगाम पहुंचाना. हमारा नाइन्थ वर्ड है रिफ्लेक्स सेक्शन, REFLEX, रिफ्लेक्स, ACTION, एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन, हमारी बॉडी का एट वंस रिस्पॉन्स, फौरी अमल. किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी फौरन से जो एक्शन लेती है उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है साइंटिफिक टर्म्स में. हमारा टेंथ वर्ड है स्पाइनल कॉर्ड. टेंथ एंड द लास्ट वर्ड इज स्पाइनल कॉर्ड, SPINAL, स्पाइनल, CORD, स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो ब्रेन से बिल्कुल नीचे लोकेटेड होता है और हमारी बॉडी के कुछ एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल भी करता है. ओके, स्पाइनल कॉर्ड. तो क्लास 5, ये था हमारा आज का क्लास वर्क. हैव यू गॉट इट? नाउ वी विल टेल यू अबाउट योर होम टास्क. क्लास 5, नाउ योर होम टास्क इज टू लर्न एंड राइट दीज न्यू टर्मिनोलॉजीज एंड रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्रेन एंड नर्व्स. गुडबाई क्लास, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग क्लास 5, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड मस्ट बी लर्निंग अलॉट एंड एंजॉयिंग योर वेकेशंस टू. आई एम योर साइंस टीचर कश्यप हैदर. As you all know, due to pandemic emergency, we cannot go to school. So we are going to have our online classes at our YouTube channel. Today, I am here with your second video that is about brain and its part. In our previous video, you have learned that new terminologies of this chapter. We have started our new unit that was the brain and nerves. I told you about some new terminologies. I gave you the concept of the brain and nerves and our nervous system also. Today we will continue that process. आज हम ब्रेन के बारे में कुछ और मालूमात हासिल करेंगे कि ब्रेन कैसा दिखता है, ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं उसके बारे में, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं और उन वो पार्ट्स हमारी बॉडी के फंक्शंस को किस तरह से कंट्रोल करते हैं.
तो आइए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ब्रेन के पार्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो क्लास फाइव, ब्रेन इज मेजरली डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज सेरिब्रम, सेरिब्रम। द नेक्स्ट वन इज मेडुला, एंड द थर्ड पार्ट इज सेरिब्लम। सेरिब्लम सबसे फर्स्ट पार्ट जो हमारा वेरी फर्स्ट पार्ट है दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दीज टू पार्ट्स आर कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स एंड दे कंट्रोल द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ आवर बॉडी। सेरिब्रम हमारी बॉडी के सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो सारे एक्शंस जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, जैसा कि देखना, याद रखना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, फीलिंग्स रखना, इमोशंस, सब किसके अंडर होते हैं? सेरिब्रम के अंडर होते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रेन के टू पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। ये एक्चुअली सेरिब्रम की रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर आपको सेरिब्रम के टू पार्ट्स दिखाए जा रहे हैं। लेफ्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रम कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी एंड राइट साइड ऑफ सेरिब्रम कंट्रोल्स लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी। इनवर्स सिस्टम होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड को कंट्रोल करती है और राइट साइड लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है। ये किसकी बात हो रही है? सेरिब्रम की। और सेरिब्रम हमारे सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक थिंकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, रिमेंबरिंग एंड डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट सेंसेस एंड देयर रिजल्ट्स। ओके, इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, थिंकिंग, सीइंग, फीलिंग्स, ईटीसी। और मेडुला के फंक्शंस को अगर हम देखें तो मेडुला का एक नाम और भी होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेन स्टेम। मेडुला को ब्रेन स्टेम भी इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ से ब्रेन स्टार्ट हो रहा है, आपकी नेक का वेरी फर्स्ट पार्ट, जहाँ आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड हुआ, स्पाइनल कॉर्ड के फौरन बाद मेडुला स्टार्ट हो जाता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो रही है, इससे ऊपर यहाँ पे ये जो पार्ट है इसे आप मेडुला कहते हैं। सेरिब्रम से नीचे ब्रेन का बिल्कुल स्टेम, इसे मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला। और मेडुला हमारी बॉडी के सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। मेडुला क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। स्पेस की जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। और इनवॉलंटरी एक्शंस कौन कौन से होते हैं? लाइक डाइजेशन, पंपिंग ऑफ ब्लड बाय आवर हार्ट, और ऑर्गन्स के सारे इंटरनल फंक्शंस हमारी बॉडी के कौन कंट्रोल कर रहे हैं? मेडुला, द ब्रेन स्टेम। मेडुला के बारे में आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती चलूं कि जब हम सो रहे होते हैं तब ही मेडुला काम कर रहा होता है। अगर आप सो जाएं, अगर मेडुला ना हो तो हम सो जाएं तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस भी स्टॉप हो जाएं। हम भूल जाएं कि हमने सांस भी लेना है, या फिर हम भूल जाएं कि हमें तो फूड डाइजेशन भी करनी थी। तो ये सारे काम इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहे होते हैं और इनको कंट्रोल कौन करता है? मेडुला, द पार्ट ऑफ ब्रेन। मेडुला इज इवन वर्किंग व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तब भी मेडुला काम कर रहा होता है। एंड नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम कंट्रोल्स द फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, लाइक रनिंग, वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, एनीथिंग दैट इज अंडर द मूवमेंट ऑफ आवर जॉइंट्स एंड मसल्स। बेसिकली सेरिब्रम हमारी बॉडी के जॉइंट्स और मसल्स के कंट्रोल एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है।
कौन सा मसल किस तरह से मूव करेगा, उसकी मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें कौन सी एंटागोनिस्टिक मूवमेंट चाहिए होती है। तो हमने ब्रेन के 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ा, जो क्या क्या थे, सेरिब्रम, मेडुला एंड सेरिब्लम। सेरिब्रम हमारी बॉडी के वॉलंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, मेडुला इनवॉलंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, और सेरिब्लम तमाम फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हमारे जॉइंट्स और मसल्स की मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल कर रहा है। आई होप यू हैव गॉट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग, ब्रेन एंड इट्स पार्ट। ओके, सो लेट्स मूव टू वर्ड और बुक, दैट इज हियर इज योर बुक, दैट इज न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस फॉर क्लास 5 थर्ड एडिशन बाय निकोलस हर्सबर्ग। सो हरी अप विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ओपन पेज नंबर 2, वी विल कंटिन्यू आवर रीडिंग। सो ऑन पेज नंबर 2 वी हैव अ यूनिट नंबर 1, द ब्रेन एंड नर्व्स, दिमाग और रगें। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम अपनी। हम लोग न्यू टर्मिनोलॉजीज भी कर चुके हैं, चैप्टर का प्रीव्यू भी मैं आपको दे चुकी हूँ कि ब्रेन एंड नर्व्स क्या होता है। ब्रेन हमारी बॉडी का मेजर पार्ट है जो हमारी सारी बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है, और नर्व्स वो वायर्स की तरह एक्ट करती हैं, उन वायर्स की तरह एक्ट करती हैं जो हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि बॉडी ऑर्गन्स अपना मैसेज ब्रेन तक भेज सकें और ब्रेन से जो कमांड आएगी फर्दर एक्शन परफॉर्म करने के लिए वो लेके आ सकें। ब्रेन एंड नर्व्स, और ब्रेन एंड नर्व्स कलेक्टिवली हमारा नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू लेड पेंसिल्स आपके हाथ में होनी चाहिए। यू ओपन अ बुक एंड बिगिन टू रीड। आप एक किताब खोलते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। यू सी अ बस कमिंग योर वे। आप एक बस को अपनी तरफ आता देखते हैं एंड यू नो यू मस्ट स्टॉप, और आपको पता है कि आपको लाजमी तौर पर रुकना चाहिए। यू हेयर सम म्यूज़िक। आप कोई म्यूज़िक सुनते हैं एंड रिकग्नाइज द सॉन्ग, और गाना पहचान लेते हैं। रिकग्नाइज पहचानना, अंडरलाइन करेंगे इसे। यू कैन सी थिंग्स। आप चीज़ें देख सकते हैं। हेयर डिफरेंट साउंड्स, मुख्तलिफ आवाज़ें सुन सकते हैं। टेस्ट फूड, खाना चख सकते हैं। एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू, और अपने इर्द गिर्द दुनिया के बारे में कई नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकते हैं। डिस्कवर, डिस्कवर को अंडरलाइन करें। डिस्कवर का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ को ढूंढना जो पहले से मौजूद हो, लेकिन आप उसको दोबारा से दरियाफ्त करें। पहले पता ना हो उसके बारे में, लेकिन आप उसकी पहचान करवाएं। ऑल दिस एंड मोर इज़ पॉसिबल। ये सब और इससे ज़्यादा भी मुमकिन है, बिकॉज वी हैव सेंस ऑर्गन, क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स कितने हैं? 5। बट डू द आइज नो वट दे आर सींग। क्या आंखों को पता होता है कि ये क्या देख रही हैं? हाउ कैन द ईयर्स टेल द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस एंड दैट ऑफ अ कार। कान हमें किस तरह से बताते हैं कि ये इंसानी आवाज़ है या किसी गाड़ी की आवाज़ है? आवाज़ों का फ़र्क कानों को कौन बताता है? द ब्रेन, दिमाग, विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। किसकी हेल्प से? नर्वस सिस्टम की मदद से। डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को डिटेक्ट करता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ओके, व्हाट डज इट लुक लाइक। अब ब्रेन के बारे में हमें पता चल गया कि ये मेजर पार्ट है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, तो ये दिखता कैसा है, दिखने में कैसा होता है? इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट। ये एक बड़े से गुलाबी माइल अखरोट की तरह लगता है। वॉलनट कहते हैं अखरोट को, अखरोट की तरह होता है, और कलर क्या होता है? पिंकिश ग्रे, ग्रे और पिंक कलर का ब्लेंड। बट इट इज़ मच बिगर देन अ वॉलनट। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि ये अखरोट से बहुत बड़ा होता है। व्हाट डज इट फील लाइक, ये टच करने से, ये महसूस करने में किस तरह का होता है? इट फील सॉफ्ट एंड स्क्विशी। इसको हाथ लगाने से ये नरम व मुलायम महसूस होता है। एंड हैज़ मैनी फोल्ड्स एंड क्रीजेस, और इसकी सतह पे कई तहें मौजूद होती हैं। ये था पेज नंबर 2। इस पर हमने पढ़ा कि हमें मुख्तलिफ चीज़ों की पहचान और उनमें फ़र्क करना, सेंस ऑर्गन्स के रिजल्ट को डिफ्रेंशिएट करने की हमें ये सलाहियत कौन देता है? ब्रेन।
ब्रेन दिखने में कैसा होता है? पिंकिश ग्रे कलर का वॉलनट अखरोट की तरह का होता है। और टच करें तो ये सॉफ्ट एंड स्क्विशी होता है, बिल्कुल नरम और मुलायम होता है, जिसकी सतह पे तह मौजूद होती है। ओके, तो हम पेज नंबर 3 पे मूव करते हैं। ब्रेन, दिमाग। द ह्यूमन ब्रेन इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इंसानी दिमाग पूरे जिस्म को कंट्रोल करने का मरकज होता है। इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ आवर एक्टिविटीज़। ये हमारे जिस्म की तमाम सरगर्मियाँ कंट्रोल करता है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? हमारे सर के अंदर। एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल ऊपर। एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। और इसको किसकी वजह से हिफाजत, किसकी हिफाजत में है? बाहर से क्या चीज़ इसको प्रोटेक्ट कर रही है, महफूज कर रही है? द स्कल, जो कि हमारी खोपड़ी। सर की हड्डियाँ एक केज बनाती हैं जिसे स्कल कहा जाता है, खोपड़ी कहा जाता है। द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। आपको पता है कि इंसानी जिस्म कई लाख सेल से मिलके बना है, खुलियों से मिलके बना है, सेल से। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम्स आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। तो नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक नेम होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स कहा जाता है। अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन। कितने? 100 बिलियन, 100 बिलियन नर्व सेल्स मिलके दिमाग बनाते हैं। ऑल द नर्व सेल्स आर लिंक्ड टुगेदर टू कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़। तमाम नर्व सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, लिंक टुगेदर, आपस में जुड़ा होना। टू कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज़, बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। द ब्रेन नीड्स अ कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ब्रेन को, दिमाग को कॉन्स्टेंटली काम करने के लिए ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई चाहिए होती है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स फूड, और इसे खुराक की भी ज़रूरत होती है। एंड इनफ स्लीप टू फंक्शन प्रॉपरली, और मुनासिब वक्त के लिए रेस्ट की, आराम की ज़रूरत होती है। किसकी शक्ल में? स्लीप की शक्ल में, सोने की शक्ल में, नींद की शक्ल में। अगर हम सोते नहीं हैं, नींद पूरी नहीं होती, तो हमारे ब्रेन के फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाते। तो फिर अब आगे हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन के बारे में। इससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ह्यूमन ब्रेन का साइज़ कितना होता है? इट वेज, द एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेज 1200 to 1400 grams, 1200 से 1400 ग्राम तक, तकरीबन 1200 से 1400 ग्राम्स तक। तकरीबन 1 किलो से कुछ ज़्यादा वज़न बनता है। ओके, तो हम इसके पार्ट्स के बारे में, इसके हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया लेक्चर के प्रीव्यू में कि कितने मेन पार्ट्स होते हैं, 3, सेरिब्रम, सेरिब्लम एंड द मेडुला। सेरिब्रम, सेरिब्लम और मेडुला। मेडुला का एक और नेम क्या है? ब्रेन स्टेम। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब्स। दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम करते हैं। अब हम आगे बात पढ़ते हैं कि द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इट इज़ डिवाइडेड वर्टिकली इंटू 2 halves। इसको वर्टिकल शेप में 2 halves में डिवाइड किया जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसको वर्टिकली 2 halves में डिवाइड किया गया है। द राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। जो राइट पार्ट है, इस पिक्चर में आप देखें, जो राइट पार्ट है, दिस इज़ राइट साइड एंड दिस इज़ लेफ्ट साइड। राइट पार्ट आपकी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट साइड बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करेगी। द राइट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। सेरिब्रम का दायां हिस्सा जिस्म के बाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और सेरिब्रम का बायां हिस्सा जिस्म के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड दिस, साइंसदानों को इसके बारे में तब पता चला, व्हेन दे फाउंड दैट पीपल हु हैड इंजर्ड वन साइड ऑफ द ब्रेन लॉस्ट कंट्रोल पार्ट्स ऑन द ऑपोजिट साइड। जब उन्हें पता चला कि वो लोग जिनके दिमाग की एक साइड जख्मी होती है, तो वो जिस्म के दूसरे तरफ का कंट्रोल खो देते हैं। अगर किसी के दिमाग की बाईं जानब को चोट लगती है, तो उसकी बॉडी की जो राइट साइड के पार्ट्स होते हैं, राइट हैंड, राइट आर्म, राइट लेग या राइट फीट, वो सही तरह से काम
नहीं करता, कंट्रोल उसका ख़राब हो जाता है, बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में उन्हें तब पता चला जब हम उन्होंने ये ऑपोजिट साइड की स्टडी की। अब हम हर पार्ट ऑफ ब्रेन का फंक्शन स्टडी करेंगे। द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलंटरी एक्शन। सेरिब्रम हमारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, लाइक थिंकिंग, सोचना, फीलिंग्स, जज्बात, डिसीजन मेकिंग, कोई भी फैसला करना, रीडिंग, पढ़ना, लिसनिंग, सुनना, सीइंग, देखना, एंड द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट, और फ़र्क करने की सलाहियत, बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल, जायके और खुशबू में फ़र्क करने की। जैसे कि आपको किस तरह से पता चलता है कि कोई चीज़ मीठी है या नमकीन, या कोई स्मेल अच्छी है या किसी बुरी चीज़ की स्मेल आ रही है आपको, या किस चीज़ की स्मेल आ रही है, ये पहचान आपको कौन दे रहा है? सेरिब्रम। इट ऑल्सो एनेबल्स यू टू रिमेंबर थिंग्स। यही आपको चीज़ें याद रखने में मदद देता है। आगे है मेडुला और ब्रेन स्टेम, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ब्रेन का सबसे निचला हिस्सा इस कॉल्ड द ब्रेन स्टेम और मेडुला। इसे ब्रेन स्टेम या मेडुला कहते हैं। इट कंट्रोल्स इन वॉलेंट्री एक्शंस। ये वो एक्शंस कंट्रोल करता है जो हमारे अपने मर्जी के मुताबिक नहीं होते, ऑटोमेटिक होते हैं, सच एज ब्रीथिंग, जैसा कि सांस लेना, डाइजेस्टिंग, खाना हजम करना, एंड द बीटिंग ऑफ हार्ट, और दिल का धड़कना, ऑफ द हार्ट मसल्स, दिल के मसल्स का धड़कना। व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप, जैसे जब बाकी दिमाग सो जाता है, द मेडुला कीप्स वर्किंग, मेडुला तब भी काम कर रहा होता है। मेडुला इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक इन एक्शन रहता है, काम करता रहता है। सेरिब्लम, सेरिब्लम, द सेरिब्लम इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। सेरिब्रम से आगे और मेडुला से ऊपर, ये लोकेशन है सेरिब्लम की। सेरिब्लम कहाँ पे लोकेटेड है? मेडुला से ऊपर और सेरिब्रम से नीचे, ये मिडल पार्ट है। इट फंक्शन इज़ टू कंट्रोल द बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स। ये हमारे मसल्स यानी कि हमारे पठों और जोड़ों की जो मूवमेंट है, की जो हरकत है, उसको कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स यू टू रन, ये आपको भागने में मदद देता है, वॉक, चलने में, जंप, छलांग लगाने में, एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज़, और जितनी भी सारी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, तबीयी हरकतें हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व, वो सब एक्टिविटीज़ जिनके अंदर आपके मसल्स एक्शन कर रहे हैं, आपके पट्टे एक्शन कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ, यहाँ तक थी हमारी आज की रीडिंग। अब हम अपनी कॉपीज़ ओपन करेंगे और जितनी हमने रीडिंग कर ली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर नोट करेंगे। सो हरी अप, ओपन योर कॉपीज़ ओपन करेंगे आप, और सबसे पहले मार्जिन लाइन्स ड्रॉ करेंगे। आप अपनी कॉपी के ऊपर डे एंड डेट मेंशन करेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे क्लास वर्क मेंशन करेंगे ब्लैक पेन के साथ। फिर उसके बाद आप मेंशन करेंगे यूनिट नंबर 1, पेजेस कौन से हैं, 2 to 7, द ब्रेन एंड नर्व्स, दिमाग और रगें। नेम द पार्ट्स ऑफ द, आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालों के जवाब दें। नेम द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट, दिमाग के हिस्सों के नाम लिखें, और हर हिस्से का फंक्शन यानी कि हर हिस्से का काम बताएं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर देंगे कि नेम द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ब्रेन के हिस्सों के नाम। द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन आर सेरिब्रम, मेडुला, सेरिब्लम। आप यहां से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में लिखने में आपको हेल्पफुल हो। अगले पेज पे मूव करेंगे। सेरिब्रम, सेरिब्रम फर्स्ट पार्ट है। इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस, ये हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक थिंकिंग, फीलिंग, डिसीजन मेकिंग, रीडिंग, सीइंग एंड रिमेम्बरिंग। फिर है हमारे ब्रेन का सेकंड पार्ट जो है मेडुला, मेडुला। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि वो फंक्शंस जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं, सच एज ब्रीथिंग, सांस लेना, डाइजेशन, खाने का हजम होना, एंड ऑर्गन फंक्शंस, और सारे ऑर्गन्स की इंटरनली जो फंक्शंस होते हैं उन सबको। इट कीप्स वर्किंग इवन वी आर स्लीप, ये उस वक्त भी काम कर रहा होता है जब हम सो रहे होते हैं। अब रह गया ब्रेन का थर्ड
नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेरिब्रम। इट कंट्रोल्स बैलेंस एंड मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स एंड जॉइंट्स। ये हमारे पट्ठों और जोड़ों की हरकत को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के सारे फिजिकल एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका आंसर मैंने अभी आपको दिखाया है सारा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी नीट कॉपीज के ऊपर नोट करेंगे। ये आपका क्लास वर्क था। ओके क्लास 5, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज लेक्चर। नाउ इट्स टाइम टू नोट डाउन योर होम टास्क। योर होम टास्क इज टू लर्न क्लास वर्क एंड टू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 2-3 फ्रॉम बुक। ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट इन अ बेटर वे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय। अल्लाह हाफिज़।